हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक गजर और मैं हूं आरजे फ्रेनी और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है द फूडी सीरीज। और आज हम मैक्सिकन फूड के लिए आए हैं शूट के लिए, तो चलिए उनके ओनर से मिलते हैं तपन भाई और हम देखते हैं क्या क्या हमारे लिए आज बनाते हैं। तो आज हम आए हैं सूरत के बहुत ही पॉलिश्ड एरिया में जिसका नाम है डुमस रोड। ये जो जगह पर हम जो आए हैं वो शॉप का नाम है मैक्सिकन स्पाइसी मसाला, जो आया है एग्जैक्टली इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर के सामने। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मैक्सिकन डिश कैसे बनती है और उनकी फेमस जो स्पेशलिटी है वो क्या है। तो तपन भाई से मिलते हैं क्योंकि वही ज़्यादा हम सबको बता पाएंगे कि मैक्सिकन डिश बनती कैसी है और उसकी स्पेशलिटी क्या है। तो चलिए मेरे साथ। ये है उनका बहुत सारा जो वैरायटी से भरपूर उनका मेनू कार्ड है, जिसमें सूप है, कुछ ड्राई आइटम्स भी हैं और हम सबका फेवरेट फायर पिज्ज़ा भी इसमें है और कुछ स्पेशल आइटम्स भी है। और जैसे अगर पिज्ज़ा पास्ता खाकर आप बोर हो गए हो तो क्विस्टिलास भी है, टैकोस है, नाचोस है, बहुत सारी आइटम्स है। तो आइए चलते हैं, उनको पूछते हैं कि इनमें से कौन सी हम वैरायटी लेंगे जो हमारा मुंह का जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज कर देगा। तपन भाई, स्वागत है आप सबका हमारी जो चैनल है जिसका नाम है फूडी सीरीज। तो आप अपने मैक्सिकन स्पाइसी सालसा के बारे में हमें कुछ बताएंगे। मैक्सिकन स्पाइसी सालसा का बारे में जितना भी बताओ फिर भी कमी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होता है। आप कितने साल से यहाँ पर ये कर रहे हैं? मैं 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। मतलब आपने सूरती का जो सूरती लोचा का जो टेस्ट था वहाँ से उनको डाइवर्ट करके आप मैक्सिकन में वो उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट कर दिया है। तो चलिए हम ऑर्डर करते हैं कुछ स्पेशल आइटम। उनकी स्पेशल आइटम है मैक्सिकन बरीतो बोल, तो वो कैसे बनता है वो उनसे जानते हैं। सर, कैसे बनता है ये आपका मैक्सिकन बरीतो बोल? मैडम, मैक्सिकन बरीतो बोल तो पहले एक कंटेनर रहेगा, बाउल जैसा कंटेनर रहेगा, नीचे रहेगा सालसा रहेगा, फिर उसको ऊपर है ना मैक्सिकन राइस रहेगा, फिर वेजिटेबल जो हम लोग सलाड बनाता है वो हॉट बेल पेपर जो सलाड होता है वो सलाड रहेगा, फिर राइस रहेगा, फिर लेयर लेयर में रहेगा, उसको ऊपर है ना सावर क्रीम रहेगा, मस्टर्ड टाटा सॉस रहेगा, सालसा रहेगा, चीज़ सॉस रहेगा, नाचोस रहेगा, ऐसा लेयर लेयर सिस्टम से बनेगा। ऊपर से डेकोरेशन में बेल पेपर रहेगा, रेड येलो ग्रीन बेल पेपर, चिल्ली फ्लेक्स, ओरिगेनो, ये सब रहेगा। तो आइए आज हम दिखाते हैं आपको कि ये मैक्सिकन बरीतो बोल बनता कैसे है और ये स्पेशल क्यों है यहाँ पे। तो कुछ उन्होंने बेसिक सी आइटम्स अंदर कर दिए, गार्लिक उन्होंने डाला है, फिर ये बेल पेपर्स है, कुछ कॉर्न डाल दिए हैं उन्होंने। अरे वाह, ये मैक्सिकन बरीतो बोल में तो पनीर भी आ गया है। उसको अच्छी तरह से आप स्टर कर रहे हैं, चिली फ्लेक्स हो गया, ओरेगानो है, मिक्स हर्ब्स और सॉल्ट है। वही तो बोल की स्पेशलिटी ये है कि इसमें वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, राइस भी आ जाता है। तो अगर किसी को राइस और वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन खाना हो विद सम टैंगी सॉस और उसके साथ, तो ये वही तो बोल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और हेल्दी वर्जन भी है क्योंकि उसमें बेसिक राइस है और सारे वेजिटेबल्स हैं। देखते हैं आगे कि इसमें और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ने वाले हैं। तो ये यहाँ पर हो रहा है सम सॉसेस। कौन सा सॉस है? पेपरिका सॉस, आजकल का सबसे फेवरेट है पेपरिका सॉस। ये कुछ कोरिएंडर लीव चले गए। मैक्सिकन आइटम के जो मेन प्रोमिनेंट इंग्रेडिएंट होता है वो है राजमा। Thank you.
मैक्सिकन बरेटो बोल बन के तैयार है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा अभी गार्निशिंग होने को बाकी है। तो ये आ गया इसका फर्स्ट लेयर जो राजमा से भरपूर है। और अब इसमें जा रहा है फ्लेवर्ड मेयोनीज। कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जिसका गार्निशिंग इतना अच्छा होता है कि बस गार्निशिंग करने के बाद भी हमें खाने को मन कर देता है। तो बस बिल्कुल ऐसे ही अभी ये बढ़िया से डिजाइन उसमें सर कर रहे हैं। मैक्सिकन के दूसरी प्रोमिनेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं चाकोस। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से चाकोस इसमें ऐड हो रहे हैं, जिसके खाने का जो टेस्ट है वो और ज्यादा डिलीशियस हो जाएगा। लिक्विड चीज सर। और ये अंदर धीरे धीरे से हर एक कॉर्नर तक चाहे वैसे वो ऐड कर रहे हैं लिक्विड चीज। और ये उनका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो वो भी अच्छी तरह से हर एक जगह पर पड़े इस तरह से वो मैनेज करके वो एकदम टेस्टी बने इस तरह से वो ऐड कर रहे हैं। और इसमें मेरा फेवरेट जा रहा है इसमें कोरिएंडर और स्प्रिंग अनियंस। वापस एक टैंगी टेस्ट देने के लिए ये आ गए हैं बेल पेपर्स। और बरीतो को और ज्यादा टेस्टफुल करने के लिए ये ऐड हो रहा है साल्सा। और चीज के बिना तो हम कोई आइटम जैसे खा ही नहीं सकते, तो ये बहुत सारा चीज इसमें जाएगा जो उसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा कर देगा। तो लीजिए तैयार है हमारी गर्मा गर्म मैक्सिकन बरीतो बोल। जब यहाँ पर आएंगे तो सोचेंगे कि कौन कौन सी आइटम्स अवेलेबल होती, तो एक बार इसका मैं मेनू भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे सूप में इनके पास तीन वैरायटीज है, मैक्सिकन टॉर्टिला सूप, हॉट बीन कॉर्न सूप, क्रीम ऑफ ब्रोकोली सूप, और कुछ ड्राई समथिंग्स भी है इनके, जैसे कि हम सबके फेवरेट है फ्रेंच फ्राइज, चीज बॉल, हॉट बेल पेपर विथ पनीर स्किलेट और गार्लिक ब्रेड। तो ये हम सबका फेवरेट वाली डिश हो सकती है। और साथ साथ में इनके पास और ऑप्शन है जिसमें है फायर पिज्ज़ा। तो फायर पिज्ज़ा में है खाखरा पिज्ज़ा, चीज़ पिज्ज़ा एंड मार्गरिटा पिज्ज़ा, वेज पिज्ज़ा विथ पनीर, पनीर पिज्ज़ा एंड स्मोकी पिज्ज़ा। और उनकी स्पेशल वेराइटीज जो हमने अभी एक्सप्लोर की है वो है उनका स्पेशल मैक्सिकन बरीतो बोल। और रुकिए, ये काफ़ी नहीं है, बहुत सारी और आइटम्स हैं, जैसे कि ये आइटम्स हो गए जो बिल्कुल भी अभी यूनिक है, अभी ट्रेंड में है। तो ये जैसे हेल्दी आइटम्स हैं उनकी क्वींस डिलास, उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ है, जैसे कि मैक्सिकन चीज़ क्वींस डिलास, बारबेक्यू कॉटेज चीज़ क्वींस डिलास, एक्सोटिक वेज क्वींस डिलास, और साथ में राइस के कॉम्बोज भी है। मतलब सिर्फ रोटी सब्जी खाकर अगर आप बोर हो गए हो तो ये आप राइस के कॉम्बोज भी आप ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद बरीटो के भी ऑप्शंस हैं, नाचोस के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये पास्ता के भी ऑप्शंस हैं। तो और ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सके उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा मैक्सिकन साल्सा डुमस रोड पर। तो फ्रेंड्स, मैक्सिकन में इतना मुझे मेरा टेस्ट है नहीं, तो हम मैडम से उनका रिव्यू लेते हैं। तो मैम बताइए आप कैसा इनका रिव्यू है। एक बार पहले टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं टाकोस लेना चाहूँगी, क्योंकि टाकोस हम सबका फेवरेट होता है, तो टाकोस से ही पता चलेगा कि इसका मेन जो टेस्ट है वो कैसा है। बहुत ही गर्मा गर्म है अभी भी। बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है। हर एक इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग उसका टेस्ट आ रहा है, जैसे कि हमने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉसेस अंदर ऐड हुए हैं, तो वो हर एक सॉस का अलग अलग एक टेस्ट है, और राइस का, वेजिटेबल्स का अपना एक टेस्ट है, वो बहुत ही डिफरेंट है। यार मुझसे नहीं रह जाता, मैं तो खाने लगता हूँ। टेस्ट तो मैडम देते रहेंगे रिव्यू,
लेकिन मैं अपनी पेट पूजा कर लेता हूँ। वाह, मेरा फर्स्ट टाइम है लेकिन बहुत ही अच्छा है यार, मस्त, कुछ यूनिक है जो हम रेगुलर खाते हैं उनसे थोड़ा नया है। और सूरत के अंदर इतना अच्छा मैक्सिकन फूड कहीं नहीं मिलेगा। देखो सब जगह पे अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, लेकिन स्ट्रीट फूड में जो बोलते हैं ना, ये बेस्ट है, सूरत का नंबर वन। और यहाँ की जो टीम है ना, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। तो आप एक बार आइए और बताइए हमारी कमेंट में कि भाई आपने टेस्ट किया था, कैसा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा है। तो आज हम बात कर रहे थे मैक्सिकन स्पाइसी सालसा की, तो ये इतना फेमस है, उसका एक एग्जाम्पल ये है कि इनका इतना हरा भरा स्टाफ है। तो ये स्टाफ को वो तभी अफोर्ड कर सकते हैं जब यहाँ पर रात के अंधेरे में इनकी चार की चांदनी और ज़्यादा हो जाती है। तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ पर, सूरत का बस बिल्कुल एयरपोर्ट वाला जो एरिया है वहाँ पर ही है। वापस एक बार से नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम है मैक्सिकन स्पाइसी सालसा। इसके साथ ही पूरी डिटेल्स हम आपको शो कर रहे हैं, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, और ये है उनका स्टाफ। तो जैसे आज हम सूरत के डुमस रोड पर आए हुए हैं और वहाँ पर हमने टेस्ट की है उनके स्पेशल आइटम मैक्सिकन बरिटो बोल। लेकिन ये मैक्सिकन बरिटो बोल तपन भाई ने बनाया कैसे और ये शॉप उन्होंने कब ओपन की, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई स्टोरी हमेशा जुड़ी रहती है। तो आइए चलिए पूछते हैं तपन भाई से कि तपन भाई, ये कितने सालों से आप यहाँ पर अपनी शॉप लेकर खड़े हैं? मैडम मेरा 5 साल हो गया है, और इसका पीछे जो राज है वो है ये, जो मैं किसी के पास जॉब करता था, पहले तो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जॉब किया हूँ, फिर जो भी लास्ट में जिसके पास मैंने जॉब करके छोड़ा हूँ, तो मेरा काम करते करते जैसा मेरा भूखा हो गया था, टाइफाइड डेंगू होता ऐसा कुछ हो गया था, तो मैंने सैलरी छोड़ के गाँव गया था। तो गाँव से आके मैं उसका ऑफिस में मैंने सैलरी मांगने गया, तो मेरे को बोलता है जो एक बार सैलरी छोड़ के गाँव चला जाता है उसको हम लोग सैलरी देता नहीं हूँ, ऐसा वो सेठ ने मेरे को बोला। तो मेरा दिल में ऐसा लगा जो कभी भी मैं किसी के पास जॉब करूँगा और मेरे को हर सेठ की कोई ऐसा ही मेरे को लात खाना पड़ेगा ऐसा कुछ। तो मैंने क्या किया, फिर मैं सोचा दूसरे के पास जॉब करना ही नहीं, मेरे को खुद का जॉब करना है, फिर मैंने ये खोला हूँ। अभी मेरा पास 20 स्टाफ है मेरा पास, और मेरा अभी बहुत बोले तो नाम है सूरत में ऐसा कुछ, सब लोग मेरे को जानता है, बहुत फेमस है। और क्या व्यवहार से ही आदमी को इंसान को चलता है, तो मेरा व्यवहार भी जैसा कस्टमर बोलता है जो व्यवहार भी सही है और खाना भी टेस्टी है, क्योंकि एक तरीक़े से देखने से तो नहीं होता है, खाना भी टेस्टी देना पड़ता है, क्वान्टिटी भी देना पड़ता है और अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए ऐसा। सैलरी में कभी किसी का कमी नहीं रखता हूँ, महीने का पहले ही सैलरी दे देता हूँ, क्योंकि मैं ही दूसरे के पास जॉब किया हूँ ना, उसका हिसाब से मेरे को लगता है जो स्टाफ क्या चीज़ होता है और स्टाफ कितना तकलीफ से काम करता है। वो लोग को भी घर पे कुछ भी मुसीबत होता है तो मैं एडवांस भी देता हूँ, जैसा कोई 20,000 किसी का मम्मी बहन कोई बच्चा को अगर कुछ तकलीफ हुआ तो मैं उसको एडवांस भी देता हूँ, 20-50 हज़ार जो भी है हॉस्पिटल में लगता है वो देता हूँ, फिर वो लोग काम करके मेरे को लटा देता है, सुधार देता है। तो तपन भाई और आप सबका, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक तो पहले आपने इतनी अच्छी डिश हम लोगों के साथ शेयर की और आपके लाइफ स्ट्रगल के बारे में भी हम सबके साथ इतनी खुले से बात किया। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द टीम, और हम सबकी दुआ है आपके साथ कि आप इसी तरह से, अभी भले ही एक छोटे से शॉप हो लेकिन अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो हमेशा आपके साथ कस्टमर्स भी आते रहेंगे और आपका नाम और ज़्यादा ऊंचा जाएगा। तो थैंक यू सो मच तपन भाई। थैंक यू। अगर मैं कुछ बताती रहूँगी तो आपको तो ऐसा लगेगा कि मे भी शायद ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, पर एक काम करते हैं, यहाँ पे जो स्पेशल विजिटर्स आते हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ बात करते हैं कि उनका ओपिनियन क्या है ये मैक्सिकन डिश के बारे में। सर आपका नाम? हिमांशु। हिमांशु आप बताइए कि आपने कौन सी आइटम यहाँ पर आज टेस्ट की है और वो स्पेशलिटीज जो थी उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? इसमें नाचोस बहुत अच्छे हैं यहाँ के। अच्छा, नाचोस मतलब ये यंगस्टर्स के फेवरेट जो होते हैं वो नाचोस होते हैं, चाकोस होते हैं, क्विंस डिलास होते हैं, तो उन्होंने आज नाचोस यहाँ पर ट्राई किए हैं।
तो नाचोस में क्या स्पेशल आपको लगा, उसका टेस्ट कैसा था? स्पाइसी है, काफ़ी टेस्टी है। स्पाइसी है मतलब यंगस्टर्स को तो स्पाइसी ही ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए स्पाइसी है। तो जब बोल रहे तब उनके फेस पे भी एक अलग सी स्माइल हो रही है। नहीं, वो तो दोस्त खड़े हैं ना, इसलिए दोस्त खड़े हैं इसलिए। अच्छा, तो उसके अलावा और क्या टेस्टी था अंदर, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स थे? काफ़ी सारे थे, ऐसे मैंने रिसर्च नहीं किया है, बट ठीक है, अच्छा है, खा सकते हैं। आप अपने दोस्तों को रेकमेंड करेंगे यहाँ पर आने के लिए? जरूर, क्यों नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच हिमांशु, और आप सब हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, हमारे चैनल का नाम है द फूडीज सीरीज। थैंक यू सो मच। तो ये मैक्सिकन बरिटो बॉल को तो मैंने 100% लाइक कर दिया है। अब आपकी बारी है कि आपको बस एक बेल आइकन पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हमारी फूड सीरीज की ऑलवेज मिलती रहेंगी। तो बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल का नाम है द फूडीज सीरीज।